तो कैसे हैं सर आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। क्रिकेट मैच आने वाले हैं, वर्ल्ड कप जो है आने वाला है, 2019 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं लोगों के, तो क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि धोनी वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा, धोनी से रिलेटेड काफी जो है क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उनके आंसर्स भी आपके दूंगा। आपके लिए जो दुख की खबरी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सब कुछ जो है पूरा नॉलेज दूंगा। मैंने क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जो कि वनडे मतलब जो मैचेज होते हैं या जो स्टेडियम में मैच होते हैं उनको अच्छे से हैंडल करते हैं, उनसे ये सलाह ली है, उनसे ये जानकारी इकट्ठी की है। काफी जो है न्यूज़पेपर से मैंने जानकारी जो है इकट्ठी की है, मतलब जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो मेरे काफी जानकार है, तो उनसे मैंने ये जानकारी इकट्ठी की है और मैंने पता किया है कि क्या क्या होने वाला है इस बार इंटरेस्टिंग इन मैचेज में, इंडिया टीम में क्या क्या बदलाव होंगे और क्या क्या जो है चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपके लिए दुख खबरी है, क्या धोनी मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, 2000 वर्ल्ड कप कौन खेलेगा, धोनी वर्ल्ड कप मैच खेलेगा तो क्यों खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा और क्यों धोनी छोड़कर जा रहा है, क्यों धोनी ने जो है टेस्ट मैच से संन्यास वगैरह लिए थे, या फिर जो भी जो क्वेश्चन है मैच से रिलेटेड वो आज इसी एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने नोटे के जी को सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करते ही पास में आएगा एक बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके जो क्रिकेट के दीवाने हैं और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ धोनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो जानकारी इकट्ठी की है वो मैं बुक में से आज आपको देखकर बताऊंगा क्योंकि इतनी लंबी जानकारी है, तो सिंपली जो है वो बुक में ले लेता हूँ। तो ये वाली वो जो बुक है जिसमें आपको देख बताऊंगा जो जानकारी मैंने कलेक्ट की है काफी ज्यादा थी, तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस बता देता हूँ कि लोगों के मन में क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लोगों के मन में उठ रहा है कि धोनी ने टेस्ट में से संन्यास ले लिया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या धोनी वर्ल्ड कप 2019 है वो 2019 में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं खेलेगा, तीसरी बात आ जाती है कि अगर खेलेगा तो क्यों खेलेगा, और चौथी बात आ जाती है कि यदि धोनी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलता है तो उसकी जगह वर्ल्ड कप मैच कौन खेलेगा, यदि धोनी वर्ल्ड कप मैच को छोड़ देता है मतलब वो वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलता है तो क्या होगा टीम इंडिया का, क्या क्या मिस करेगी टीम इंडिया और भारत के लिए कौन सा खतरा सबसे बड़ा खतरा सामने आ सकता है, क्या वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतेगी, क्या वर्ल्ड कप टीम इंडिया इस बार भी हार जाएगी, क्यों धोनी टीम इंडिया के लिए इतना जरूरी है, क्या धोनी को वास्तव में चले जाना चाहिए, यदि धोनी को, मैं तो धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं वैसे, और काफी लोगों के इस तरह से क्वेश्चन आ रहे तो वन बाय वन करके इनके आंसर जो है देख लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं, तो क्या धोनी 2019 का वर्ल्ड कप खेलेगा, तो सबसे पहले न्यूज जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो धोनी की फैमिली है वो भी चाहती है धोनी का वर्ल्ड कप मैच खेले, इंडिया की जो जनता है काफी बड़ी फैन है इंडिया की तो वो भी चाह रही है कि धोनी वर्ल्ड कप मैच खेले, लेकिन 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 ये डिपेंड करता है धोनी पर खुद पर कि वो मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसकी इच्छा पर नहीं, उसके खुद पर डिपेंड करता है, उसके डिजायर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब धोनी को यदि ये मैच खेलना है तो आप सभी जानते हैं धोनी की जो एज है वो काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी ज्यादा होती जा रही है, तो उसका एक तो फिटनेस में रहना जरूरी है, फिटनेस तो वो काफी ध्यान रख लेगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो आने वाले आईपीएल मैचेज है जो मैच है उनमें वो अपनी परफॉर्मेंस काफी बेटर दे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि टीम इंडिया के जो लीडर्स वगैरह जो है वो उनको क्या करे, जो उनका कोच है वो उनको धोनी को हटा ना सके और जो है धोनी को बिल्कुल इस मैच में खेलने के लिए प्रिपेयर कर सके और उनको अच्छे से जो है ये मैच जो है वो खेले। तो ये तो थी कि धोनी वर्ल्ड कप मैच खेलना चाहता है, जो सेकंड मैच ये था कि धोनी वर्ल्ड कप मैच क्यों नहीं खेलेगा, तो सिंपल ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा, यदि धोनी वर्ल्ड कप मैच इसलिए नहीं खेलेगा, आप भी जानते हैं टेस्ट से संन्यास क्यों लिया, सब जानते हैं, काफी ये न्यूज लीक हो चुकी है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि धोनी टेस्ट मैच सॉरी वर्ल्ड कप मैच जो है क्यों नहीं खेलेगा, तो सिंपली हम जानते हैं कि यदि उसने अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रखा, परफॉर्मेंस बेटर नहीं दी तो वो ये मैच नहीं खेलेगा, मैंने पहले भी बताया है। उसके साथ क्यों खेलेगा कि वो मैच क्यों खेलना चाहता है, देखिए धोनी जो है काफी अच्छा बंदा है हमारी जो है टीम इंडिया के लिए और ये अपनी टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आत्मसमर्पित होकर हर बार ये मैच खेलता है, जब से 2006 से जब दो लगभग 2006-07 में जो है ये आया था टीम इंडिया में, वो पहला वर्ल्ड कप इसने जीता दिया था 2007 में इंडिया को, उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप मैच जीता दिया था, तो इस तरह से जो है उसका लगभग 32 साल का जो है एक्सपीरियंस वो आपके सामने शेयर करता है, लगभग 32 साल का एक्सपीरियंस उसे है
तो धोनी को ये मैच बिल्कुल खेलना चाहिए क्योंकि उसके पास 32 साल का एक्सपीरियंस प्लस जो है अच्छा जो है वो कीपर है, और उसी के साथ साथ जो है वो अच्छी अच्छे से खेलता भी है और हमें वर्ल्ड कप मैच जीता है, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा काफी है। और 325 से ज्यादा मैच जो उसने आज तक खेल चुके हैं, मतलब टेस्ट मैच जो होते हैं 325 से ज्यादा जो वो खेल चुके, 325 से मेरा मतलब है कि वो 300 से ज्यादा मतलब 300 से ज्यादा मैच की पारियां जो है वो खेल चुका है। उसी के साथ साथ दोस्तों यदि हम बात करें वनडे मैचेस की, तो वो 300 से ज्यादा वैसे ही जो है खेल चुका है। उसके बावजूद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज्यादा लोगों का पूछा हुआ है, अगर धोनी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा तो क्या होगा। अब एक्चुअली धोनी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि 32 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति इंडिया टीम में नहीं रहेगा। अगर इंडिया टीम में नहीं रहेगा तो इंडिया के हारने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो धोनी को संभल कर रहना होगा, यदि हमारे इंडिया टीम को हमें जीताना है तो हमें धोनी का सपोर्ट करना चाहिए। तो इतना सब ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस इतना मतलब कि वर्ल्ड कप, दो वर्ल्ड कप मैच उसी की जो है भागीदारी से जीते हैं, और पहली कप्तानी उन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप जीता कर जो हासिल की थी। तो ये थे धोनी के जो कुछ प्लस पॉइंट थे। उसी के साथ साथ हम क्या क्या होगा कि जो धोनी है विकेट कीपर, मतलब हम बहुत ही विकेट कीपर जो है बहुत ही एक्सपीरियंसफुल विकेट कीपर जो है इंडिया खो देगी। तो विकेट कीपर खोते ही आप भी जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मैच में एक विकेट कीपर का। उसी के साथ साथ तो दूसरा आ जाता है मिडिल ऑर्डर, और एक मिडिल ऑर्डर जो है इंडिया खो देगी वो इसका भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी टीम को संभालना हो या फिर इमरजेंसी कंडीशन जब आ जाती है मैच के अंदर, तो धोनी ने किस तरह से इतने दिन अपनी कमान जो है संभाली हुई थी, जैसे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कमान संभाली थी, उसी तरह इंडिया के मैच में धोनी आज तक लगातार जो है अपनी कमान संभालता आ रहा है और इंडिया को जिताने का पूरा प्रयास किया हुआ है। उसी के साथ साथ कई लोगों का कहना है जो उनके हेटर्स है वो कहते हैं कि यार बहुत सारे मैचेस इसने हरा भी तो दिए, तो भाई दो जीता है मान लीजिए हरा दिए, लेकिन इसने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है और शुरू से ही जो है अपने देश के प्रति आत्मसमर्पित रहना चाहता है। यदि ये हराना होता तो इसे 2007 और 2011 में ही हरा देता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोगों का उठ रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं इसे साइड में रख देता हूं। तो सबसे ज्यादा जो है मोस्ट क्वेश्चन है सॉरी सबसे ज्यादा जो है मोस्ट क्वेश्चन वो लोगों के दिल में जो है उठ रहा है ये वाला क्वेश्चन कि यदि धोनी 2000 वर्ल्ड कप जो है 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसके बाद में खेलेगा आखिर कौन, कौन 2019 का वर्ल्ड कप खेलेगा और क्यों खेलेगा, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब बता देता हूँ कि धोनी की जगह कि लेगा कौन, कौन ले सकता है धोनी की जगह वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हमारे पास जो न्यूज है, इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है उसके हिसाब से जो धोनी की जगह ले सकता है, एक तो ऋषभ पंत जो काफी अच्छा जो है कीपर रहा है, उसी के साथ साथ विकेट कीपर रहा है, उसी के साथ साथ दिनेश कार्तिक जो कि काफी जो है इसने संभाला है कई बार, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसने दी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया में जो टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप धोनी के हाथों जीता था वो 28 साल बाद पहली बार धोनी के हाथों से ही वर्ल्ड कप जीता था। 28 साल पहले कपिल देव के हाथों से वर्ल्ड कप जीतने के बाद डायरेक्ट टीम इंडिया ने 28 साल बाद जो है वर्ल्ड कप जीता था। तो देख लीजिए कि टीम इंडिया के लिए धोनी कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। उसी के साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिनेश कार्तिक और जो है ऋषभ पंत क्यों खेलेंगे इस टीम इंडिया के लिए। तो एक्चुअली ऋषभ पंत जो है काफी अच्छे कीपर है, उसी के साथ साथ कंडीशन धोनी को उठाने की कंडीशन क्या थी कि जो है उनकी एज जो थोड़ी ज्यादा होती जा रही है, वो थोड़ी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो है धोनी जो है उसी के साथ साथ जो है ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक काफी यंग है और अपनी फिटनेस का काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ऋषभ पंत जितनी एनर्जी तो यार किसी क्रिकेटर में है ही नहीं, क्योंकि आते ही इन्होंने इतनी बेटर परफॉर्मेंस दी, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी, उसी के बाद लगता है कि टीम इंडिया के कोच को लगता है कि ऋषभ पंत का ज्यादा से ज्यादा आने का चांस होना चाहिए इस मैच के अंदर, और ऋषभ पंत ही जो है ज्यादा आने का चांस है। उसी के साथ दिनेश कार्तिक का भी अच्छा चांस है और बहुत ही अच्छे से चांस है, और ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ही आ सकते हैं। अब क्यों आ सकते हैं एक दो बातें और बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिनेश कार्तिक क्यों खेलेंगे वर्ल्ड कप, पहले इसके बारे में बताएंगे उसके बाद ऋषभ पंत के बारे में। अब दिनेश कार्तिक इसीलिए खेल सकते हैं क्योंकि इन्हें ऋषभ पंत से थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसी के साथ साथ जो है एक अच्छे फिनिशर है, और उसी के साथ साथ ये जो सिचुएशन को है जो मैच की जो आपातकालीन स्थितियां बनती है, परिस्थितियां बनती है, उसको काफी अच्छी तरह से जो है हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। आपने काफी बार देखा भी होगा कि कई बार इन्होंने अच्छे रन भी दिए हैं। तो आप उसी के साथ साथ जानते हैं कि दिनेश जो कार्तिक थे उन्होंने श्रीलंका में जो मैच हुआ था जिससे हीरोनिदास ट्रॉफी पर जो मैच हुआ था उस मैच के हीरो थे
कौन? दिनेश कार्तिक जी, जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ था और आप भी जानते हैं काफी रोमांचक उस मैच को बना दिया था, जब एक बॉल में 6 रन चाहिए थे और उस 6 एक बॉल में उन्होंने छक्का देकर जो है टीम को जिताया था और हिरोनीदास ट्रॉफी के हकदार हुए थे। और उस मैच से जो है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ रही है और वहां से जो है इन्होंने अच्छे से अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं अब तक। और उसी के साथ साथ जो है उस मैच का जो है हीरो ये कहलाए और आप भी जानते हैं इसके बारे में। तो और अब बात कर लेते हैं हम ऋषभ पंत के बारे में। अब ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है वर्ल्ड कप मैच खेलने वालों की, तो ऋषभ पंत जो है यंग है। उसी के साथ साथ क्या है कि ऋषभ पंत ने आते ही जो है एक खतरनाक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अपने दी है, अपने जो है बहुत ही अच्छा जो है स्थान बनाया है। उसी के साथ साथ आप सभी जानते होंगे कि एक अच्छे जो है विकेट कीपर है और काफी टेस्ट मैच हुआ, वनडे हुआ या फिर आईपीएल वगैरह जो भी मैच हुए थे उनमें आपने देखा होगा इनको कीपिंग करते हुए, तो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपना रोल निभाया, अपनी भूमिका को निभाया है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो कैचिंग की अगर बात करें तो एक टेस्ट मैच था जिसमें इन्होंने 11 कैच पकड़ी थी और उस मैच में जो 11 कैच पकड़ी तो जो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। तो ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन है जिनके कारण जो है ऋषभ पंत का आने का भी काफी चांस है और दिनेश कार्तिक दोनों का आने का ज्यादा चांस है। ऋषभ पंत को जैसे कि आपने देखा भी होगा कई मैच में जिन्होंने अर्धशतक लगाए हैं, कई मैचों में जो शतक भी काफी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अब हम बात करें कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के अंदर जो माइनस पॉइंट है, मेरा मतलब है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को हम एक जगह कंपेयर करें तो ऋषभ पंत में सिर्फ एक ही कमी निकल कर आती है कि इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, मतलब इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या काफी लंबा चला जाता है तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो कम है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि कौन मैच खेलेगा, कौन किसको खेलना चाहिए, आप कितने बड़े फैन हो, आपके अनुसार कौन खेलना चाहिए, कौन बेस्ट रहेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये यही एक पॉइंट बता है ऋषभ पंत को जो है जो दिनेश कार्तिक से अलग करता है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली टीम जो है वर्ल्ड कप कौन सी टीम है, वर्ल्ड कप खेलनी चाहिए, बॉलर कौन होने चाहिए, बेस्ट कीपर कौन होने चाहिए। तो इन सभी जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी नहीं खेलेगी और कौन सी खेलनी चाहिए, किसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से बॉलर जो है बनना चाहिए, कौन कीपर बनना चाहिए, कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है। तो आप भी कमेंट करके मुझे बताएं आपके अनुसार कौन सी टीम खेलनी चाहिए, कौन सी टीम अच्छी है वर्ल्ड कप को जो है निभाने के लिए, वर्ल्ड कप का जो आ रहा है सीजन उसको निभाने के लिए कौन सी टीम बेस्ट है आपके अनुसार, कौन सी टीम अच्छी है, कौन से बॉलर अच्छे हैं, कौन से कीपर अच्छे हैं, कौन से जो बैट्समैन है वो कौन से बैट्समैन अच्छे हैं, उन सभी के बारे में आप मुझे बताएं कमेंट करके। और मैं एक्सपर्ट से आपसे कुछ सलाह लेकर सही जानकारी दूंगा, पहले भी चैनल पर जो है हर एक इंफॉर्मेशन आपको सही दी गई है तो आपको एकदम सही जानकारी दूंगा, उसमें भले ही मुझे 10 से 15 दिन का टाइम लग जाए लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, सटीक जानकारी दूंगा जिसमें बिल्कुल सही जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन जो है वर्ल्ड कप खेलेगा। उसी के साथ साथ क्रिकेट मैच से रिलेटेड अपडेट्स जो है आपको मैं देता रहूंगा। यदि आप इस तरह की न्यू इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में जान पाए और क्या है क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज उनके बारे में हमें बता पाऊं। और जल्दी ही वीडियो आने वाली है 2019 में होने वाले चुनाव से रिलेटेड कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उस पर सटीक जानकारी जो हम लेकर आएंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी और उसी के जो है मुताबिक जो है हमारी इन्फॉर्मेशन हर बार खरी उतरती है तो इस बार भी उतरेगी। तो चलिए दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।